बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि अगले दो दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 23 जुलाई को भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज कई जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज कई जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश आज हो सकती है। लगातार खबरें ये सामने आ रही हैं कि हमने आपको दिखाई कि देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। बागेश्वर पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 23 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो कहीं पर येलो अलर्ट और कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले दो दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस हिसाब से जलभराव हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है? विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 23 जुलाई तक जो है उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून की ही बात की जाए तो देर रात से जो है काफी बारिश जो है देहरादून में देखने को मिले। हालांकि अभी जो है मौसम जो है वो थोड़ा सा साफ बना हुआ है, लेकिन देर रात जो है काफी बारिश जो है देहरादून में देखने को मिली। वही अगर पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, बागेश्वर और मुंशियारी और चंपावत और नैनीताल, इन जगहों पर काफी बारिश जो है वो देखने को मिली। और पौड़ी जनपद, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है, मौसम ने पहले ही पूर्वानुमान जताया है कि कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। काफी बारिश जो है इन जिलों में जो है वो हो सकती है। उसी के चलते जो है लगातार जो है बारिश भी काफी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कई सड़कें भी बाधित है, क्योंकि जिस प्रकार से जो मौसम का मिजाज बदल रहा है और पहाड़ी जिले में जिस प्रकार से भूस्खलन और भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है, तो ऐसे में कई सड़कें भी बाधित हो रही है। कई जगहों पर जो है पत्थर गिरने की भी सूचना है। कई जगहों पर जो है मलबा भी आया हुआ है, जिसको लेकर बीआरओ की टीम लगातार जो है सड़कों को खोलने में जुटी हुई है और लगातार जो मजदूर हैं वो वहां पर सड़कों को खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जो आपदा कंट्रोल रूम है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जी उपेंद्र, देखिए तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। तो अभी क्या अपडेट मिल पा रही है कि कब तक ये बारिश हो सकती है? मौसम विभाग ने कब तक चेतावनी दी है और क्या अभी अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर के? देखिए, मौसम विभाग ने जो है 23 जुलाई तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई हुई है। हालांकि उसके बाद एक दो दिन जो है थोड़ा सा राहत जो है कुछ जिलों में जो है वो मिल सकती है। लेकिन 23 जुलाई तक जो लगभग सभी जिलों में जो है काफी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर जल भराव की बात की जाए तो मैदानी जो क्षेत्र है, चाहे वो हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, तो खासतौर पर देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी जगहों पर जो है वो जलभराव की स्थिति बन रही है। जिस प्रकार की जो है दावे नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से किए गए थे कि जहां पर भी जो जलभराव की स्थिति है वहां पर ठीक किया जाए, लेकिन यह देखा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिससे जो है वो लगातार जो जलभराव की स्थिति वहां सड़कों पर हो रहा है उससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार नगर निगम और जिला प्रशासन है, जो कि लगातार जो हर साल बरसात आने से पहले जो दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया है, बरसाती नाले जो है उनको ठीक किया गया है कि ताकि जलभराव ना हो, लेकिन देखा जाता है कि जब भी बरसात होती है तो ऐसे में सड़कों पर जो है कई जगहों पर जलभराव होता है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देहरादून में खासतौर पर जलभराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन पहाड़ी जिलों में जो है जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो वहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बन रही है, जिससे आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो उत्तराखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम